तो अभी अतिक भाई आ गए हैं, मैं और अतिक भाई अभी चल रहे हैं पारादीप। आज पारादीप का सफर है और आप देख सकते हैं कितना तूफान उठ रहा है और इस तूफान में हम जा रहे हैं पारादीप का सफर में। जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रहा है, आप देख सकते हैं बारिश हो रहा है। देखते हैं अगर बारिश हो जाएगा तो सफ़र में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। देख सकते हैं कितना शानदार मौसम है, अभी फ़िलहाल बारिश रुक गया है और मौसम देख सकते हैं काफ़ी सुहाना और प्यारा सा मौसम है। चलिए इस मौसम को साथ रख के चलते हैं पारादीप की तरफ बढ़ते हैं। अभी आ गए हैं जयपुर मार्केट, जयपुर मार्केट क्रॉस कर रहे हैं। अभी आ गए हैं पेट्रोल डालने के लिए बाइक में, क्योंकि भाई के गाड़ी में अभी फिलहाल पेट्रोल तो है नहीं, थोड़ा सा है उसको डालेंगे। भाई पेट्रोल डल गया और पेमेंट भी हो गया, तो अभी चलते हैं अपने मंजिल की तरफ। आप इस वीडियो पे बने रहें। तो अभी रास्ते में हम रुक गए हैं, देख सकते हैं ठीक भाई भी हैं मेरे साथ में अब तक। और ये छोटा सा कोई होटल टाइप है, यहाँ पे रुके हुए हैं और बारिश को अभी दबा के हो रहा है, आप देख सकते हैं। ज़रा बारिश छूट जाए फिर आगे बढ़ेंगे अपनी मंजिल की तरफ, तब तक आप इस वीडियो पर बने रहेंगे। बारिश हो गया है बंद और हम चले अपने मंजिल की तरफ आगे। देख सकते हैं मौसम काफ़ी शानदार हो गया है और रास्ता भी बिल्कुल खाली खाली है, मौसम भी बेहतरीन मौसम है। ऐसे मौसम में सफ़र में जाने का मज़ा ही अलग है। तो भाई अभी आ गए रहामा हीरो शोरूम के पास, जहाँ पर अतिक भाई के इसमें मतलब बाइक पे HSRP नंबर प्लेट उनका लगेगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैं अभी रहामा के हीरो शोरूम के पास में हूँ। अतिक भाई अभी फ़िलहाल अंदर गए हैं और ये उनकी बाइक खड़ी हुई है, देख सकते हैं फिलहाल इस पर जो है उनका हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगेगा। यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने के बाद और हम फिर बढ़ेंगे अपने मंजिल की तरफ। जो आप देख सकते हैं ये है HSRP जो हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट, कितना पड़ा है बुकिंग में 495 आ गया। ये फ्रंट और बैक का नंबर प्लेट और उसके बाद में ये जो इसका फ्रेम है ये आ गया 130 रुपीज़। पता नहीं क्यों एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन जो है वो है ये बैक का और ये है फ्रंट का, ऐसा कुछ सिस्टम रहता है HSRP का। तो बने रहे यहाँ पे नंबर प्लेट फिटिंग करके फिर आप हम बढ़ेंगे अपने पारादीप अपने मंजिल की तरफ। इस वीडियो पे बने रहे। तो भाई नंबर प्लेट लग गया अतिक भाई के बाइक में और अभी हम चले अपने मंजिल पारादीप की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने मंजिल की तरफ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसा रहता है आज का हमारा सफ़र। फिलहाल तो अब तक पहुंचे नहीं पारादीप तक, अभी भी रास्ते में ही है। अरे रहामा मार्केट आप देख सकते हैं। तो अभी है हमारा खाना पीना हो गया, लंच कंप्लीट, बिरयानी कंप्लीट हो गया। अति भाई बिरयानी कैसा था बताओ? माशाल्लाह बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन मेरा फेवरेट बोटी नहीं मिला, बोटी नहीं मिला क्योंकि उस पे वो लंगड़ी बिरयानी पसंद नहीं। तो इनको लेग पीस रिटर्न करने के बाद भी एक लेग पीस मिला तो भाई थोड़ा से दुखी, क्या कुछ ज़्यादा ही नाराज हो गया। अरे क्या ये कुछ सौंप है। तो ये जो होटल है मैं आपको दिखा देता हूँ, रॉयल बिरयानी एंड कबाब 2.0 कुजंग मार्केट में पड़ता है। यहाँ पे अगर आप इधर आते हैं तो बिल्कुल एक बार ज़रूर यहाँ पर ट्राई करें। देख सकते हैं इधर ये है मेन मार्केट कुजंग का और इधर में है पारादीप। अगर आप इधर आते हैं तो
यहाँ पे दिख जाएगा आपको नीचे कनारा बैंक के नीचे वो बिरयानी का सेंटर है, तो यहाँ पर आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। उसका जो बिरयानी का क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त था, क्वांटिटी भी सही था। 130 रुपया लिया प्लेट और उस पर 3 बोटी मिला, एक अंडा भी मिला उसमें। बाकी सही था, टेस्ट वाइज भी सही था, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा ऑयली टाइप ज़्यादा था, जो कहते हैं कि घी ज़्यादा ऐड कर दिया था, तो कुछ मज़ा नहीं आया। लेकिन फ़िलहाल जो भी था बहुत ही बढ़िया था, अपने गाँव के इधर से तो बहुत ही बढ़िया मिला यहाँ पे बिरयानी। तो चलिए अपना सफ़र अभी कंटिन्यू करते हैं, हमारा खाना होना तो हो गया। अभी हम चलेंगे अपना पारादीप की तरफ, अपना सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो पे बने रहें आप। तो फिलहाल अभी हम पारादीप पे एंटर कर चुके हैं। ये है पारादीप का, देख सकते हैं मेन मार्केट है। यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट भी आप देख सकते हैं कैसे चेकिंग हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड है, वेलकम टू पारादीप म्युनिसिपैलिटी। अभी आ गए हैं पारादीप के मेन चौक पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गए हैं अभी मेन चौक पे जाएंगे। आप देख सकते हैं अति भाई भी यहाँ पे खड़े हैं, किसी के इंतज़ार में खड़े हैं, लेकिन अफसोस उनका इंतज़ार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, शायद से कभी ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहे, आगे चलते हैं, आगे आपको मैं दिखाता हूँ फिर क्या कैसे रहते हैं यहाँ का सीन। भाई अभी मैं आ गया हूँ यहाँ पे जो फिशिंग हार्बर है उसके पास में, यहाँ पे टिकट काउंटर है, देख सकते हैं अति भाई हैं वो टिकट ले रहे हैं वहाँ पे। बाकी चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ यहाँ का कैसा क्या सीन रहता है, देखते हैं इधर। देख सकते हैं है टिकट काउंटर और इसका फेयर है, टिकट फेयर है ना, ये है टिकट। एक आदमी का जो है 5 रुपये, हम 2 लोग हैं मैं और अति भाई, वो 10 रुपये लिया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है बोट सब है, इस पर मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, आप देख सकते हैं। और ये जो ट्रक देख सकते हैं, इस पर लोग मछली लेके बाहर जाते हैं। अभी ये सब खाली ट्रक है और इस पर मछली लोड होगा और मछली सब फिर जाएंगे बाजार में बेचने के लिए। देख सकते हैं कुछ इसके अंदर का कुछ ऐसा सीन रहता है, यहाँ पे बोट सब लगी हुई है लाइन से, डीजल भी है जरा, हाँ यहाँ पे डीजल भी है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पुराने जमाने के घर हैं पत्थर के, आप देख सकते हैं, देखने में ये भी अच्छा लग रहा है, कुछ पुराने चीज़ों को देखने में मज़ा आता है। और देख सकते हैं यहाँ पे काम भी चालू है, और ये एक बोर्ड देखिए उलट के टाइटैनिक वाला यहीं पे शूटिंग हुआ था शायद, इसकी वजह से पलटी मार गया बाकी रोज वहाँ से डूब गई उस पर। वीडियो पे बने रहे हैं, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे भाई एक बात तो है, गंदगी बहुत आती है मछली की, जो कि गंदगी बाहर है, इसको बोलते हैं बदबू, नहीं बोलते इसको बदबू बोलते हैं, सड़ा हुआ बदबू बोलते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बर्फ को ये लोग क्रश कर रहे हैं और इसका छोटा छोटा पीस करके मछलियों के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि तो भाई ऐसा है यहाँ का सीन। आप देख सकते हैं बोट मेरे पीछे खड़ी हुई है, यहाँ पे ये बोट है, ये बोट जो है ये अभी आंध्रा जाएगी, अभी आई है आंध्रा से,
यहाँ से ये लोग मछली लेके आंध्रा जाएंगे, बाकी अदर स्टेट से भी लोग आते हैं यहाँ पे मछली लेके जाने के लिए। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन रहता है यहाँ के बोट वोट का, और इधर भी है देखने, इधर भी है बोट जी। चलिए अभी मैं आपको इस बोट के अंदर, ठीक भाई गए मैं भी चलता हूँ बोट के अंदर, आपको दिखाता हूँ कैसा रहता है अंदर का यहाँ का सीन। तो अभी मैं और अर्तिक भाई बोट पे आ गए हैं, पहली बार मैं इस बोट पे आया हूँ, देख सकते हैं कैसे यहाँ का सिस्टम है। तो ये जो बास्केट अभी खाली है, इस पर मछली सब लोड होकर जाएगा, देख सकते हैं ऐसा रहता है बोट का, जो मछली वाले बोट होते हैं तो वहाँ का कुछ इस तरह का सीन रहता है। पीछे भी काफ़ी बोट हैं, सब एक जैसे ही बोट हैं, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं ये है पीने के लिए पानी, जो समुंदर का तो आप जानते हैं ख़राब पानी रहता है, और ये लोग इनके जो लेबर ओवर होते हैं उनके लिए पीने का पानी है। और ये जो आप बॉल जैसा देख सकते हैं, ये कुछ शायद मेज़रमेंट करने का है, ऐसा रहता है, देख सकते हैं आप, ये मछली का जाल ही है, मछली का जाल है ना, ये वायर देख सकते हैं कितना मोटा मोटा वायर है ये। तो भाई यहाँ का जो था तो बोट के अंदर भी चले गए, और जो अंदर का कुछ था सीन वो भी मैंने दिखाया आपको। तो वीडियो पे बने रहे, अगर ऐसा कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ अगर मिलता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, फिलहाल आप इसको इंजॉय करें, देख सकते हैं ऐसा सीन है यहाँ का। चलो राइट साइड चलो, देखते हैं और कुछ मिलता है क्या। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे जो है मछली का स्टॉक रूम जिसको आप बोल सकते हैं वो है, तो अभी इसका काम चल रहा है, यहाँ पे पहले मछली रहते थे तो अभी इसका काम चल रहा है। बाकी उस साइड में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी जो है उसका फ़िलहाल काम चालू है, और एक जो है इस साइड में भी इसका फ़िलहाल काम चालू है अभी। तो अभी जो है मछली आते हैं वो लोग डायरेक्ट क्या करते हैं ले जाते हैं, आप देख सकते हैं वो जो वहाँ पे टेंट है, तंबू जिसको बोलते हैं टेम्प्रोरी के तौर पे वहाँ पे है, तो वहाँ पे अभी सारे मछली रहते हैं, वहाँ पे जो भी होता है नीलामी होता है, सेल होता है। तो अभी अगर एक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर यहाँ से लोग उनका अपना जैसे था पहले वैसे रहेगा। तो चलिए अभी यहाँ से एग्जिट करते हैं, और आगे आपको फिर मैं दिखाता हूँ कि पत्थरबड़ी तरफ क्या सीन है, कैसा है क्या नहीं है। चलिए वीडियो पे बने रहे आप। तो अब वक्त आ गया है इस फिशिंग एरिया को अलविदा कहने के लिए, हम चलते हैं, तो चलिए चलते हैं अभी पत्थर बन के तरफ चलेंगे। अभी हम आ गए हैं पत्थर बन के पास, और यहाँ पे आप गाड़ी देख सकते हैं कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और ये टूरिस्ट बस भी है यहाँ पे। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, और गाड़ी रिजर्व करके लोग यहाँ पे आए हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं लोगों की फिश चल रही है, लोग मज़े कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। आज संडे का दिन है इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड है, आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए हैं। चलिए अभी हम एक फ्री जगह देखेंगे जहाँ पे गाड़ी हम पार्क करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फाइनली अतीक भाई के साथ दो घंटे के सफ़र के बाद आके पहुंच गए अपने मंजिल पे। आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा, इतना ट्रैफिक तो कभी रहता नहीं है यहाँ पे, इतना ज़्यादा क्राउड तो रहता नहीं है। आज संडे का दिन है इसलिए बहुत ही ज़्यादा क्राउड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी अगर 5 बजे के बाद देखेंगे तो इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर क्राउड देखने को मिलेगा। तो चलिए तब तक मैं आपको बाकी का सीन दिखाता हूँ, आप तब तक इसको इन्जॉय कीजिए।
देख सकते हैं आप, मछली वाला बोट है वो। अब लग रहा है बहुत जोर का प्यास, तो थोड़ा पानी पी के जरा से अपने आप को सुकून करते हैं फिर। भाई ये बोतल का दाम है 10 रुपया सब जगह, लेकिन यहाँ पे वो लोग लिए 15 रुपये, पता नहीं क्यों, लेकिन 5 रुपया एक्स्ट्रा हर चीज़ में आपको यहाँ पे 5 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का सीन है यहाँ पे, और पीछे जो है पत्थर है और यहाँ पे समंदर का पानी है, बस यही कुछ रहता है यहाँ का सीन, देख सकते हैं आप। तो अभी हमारे पास एक भाई आए हुए हैं मिले, क्या नाम भाई आपका? पिंटू। पिंटू कहाँ से आए? जगत सिंहपुर के रहामा। रहामा कृष्णानंदपुर पता है? हाँ, वहीं से। अच्छा, तो ये भाई ये हमारे भाई हैं पिंटू भाई, रहामा से आए हुए हैं। भाई आपका नाम क्या? टोबो। कहाँ से? रहामा से। दो भाई अपने जगत सिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से ही आए हुए हैं रहामा से। कभी देख सकते हैं यहाँ का सीन, मैं आपको दिखाता हूँ, मुझे जो कि अभी डर भी लग रहा है। तो कुछ ऐसा है सीन यहाँ का, देख सकते हैं अभी भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे डर भी लग रहा है। और यहाँ पे एक भाई भी हैं और हमारे वो पिंटू भाई भी हैं, देख सकते हैं। बस ऐसा ही सीन है यहाँ का। तो भाई यहाँ का जो था टूर वो हो गया है खत्म अभी। तो अब देख सकते हैं कितना ज्यादा अभी क्राउड, अभी लोग अभी बढ़ रहे आ रहे हैं अभी, क्योंकि तो संडे का दिन है तो लोग फ्री होते हैं तो आ जाते हैं इधर संडे के दिन में। तो यहाँ का देखा आपने, यही कुछ सीन रहता है यहाँ का। और अभी साइड में देख सकते हैं जैसे कि लोग हैं फिस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं फिस्ट कर रहे हैं, और जो रिजर्व गाड़ी करके भी आए हैं बहुत सारे लोग। बस ऐसा ही कुछ रहता है यहाँ का सीन। तो चलिए आगे चलते हैं, और एक जगह है वहाँ को भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएँगे कैसा है। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं अतीक भाई अब तक ड्राइव कर रहे हैं, और जो कि बिना थके हारे अब तक गाड़ी चला रहे हैं। अब हम रिटर्न होने पर आए भी, लेकिन अतीक भाई अभी चला रहे हैं। और अभी पीछे जो बोलेरो गया देख सकते हैं, उस पर भी जो है अभी भी लोग बहुत से लोग आ रहे हैं उस पर भी। और जितने भी लोग आते हैं मुझे पता नहीं घूर घूर के सब देखते हैं, क्या सोचते हैं पता नहीं, कुछ अजीब सा भी फील होता है थोड़ा। खैर कुछ जो भी हो, तो आप वीडियो पे बने रहे, मैं आगे आपको दिखाता हूँ दूसरा जगह। पारादीप आया है ना, देख सकते हैं ये है पारादीप पोर्ट, और यहाँ पे सीप भी लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ पे आम आदमी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं सीप लगा हुआ है, लोग कितने तादाद से खड़े हुए हैं यहाँ पे, देख सकते हैं लोग आ रहे हैं सिर्फ एक सीप को देखने के लिए। चलिए सबका अपना अपना शौक है। We'll be right back.
फाइनली हम आके पहुंच गए, और आप लोगों का क्राउड भी देख सकते हैं कितने ज़्यादा यहाँ पे लोग आए हुए हैं, क्योंकि आज है संडे का दिन है तो छुट्टी की वजह से पार्किंग देख सकते हैं कितना ज़्यादा पार्किंग है। तो अभी फिर मैं अंदर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ का सीन कैसा। मेरे साथ मेरे, तो क्या बोलोगे अति भाई, यहाँ आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील लगता है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। मेरा फेवरेट जगह है, और हमेशा की तरह, और हम लोग हर साल आया करते हैं, और क्या? इस साल भी आए। हर साल? अरे वाह, तो काफी सही है। लास्ट टाइम भी आए थे ना हम लोग, लास्ट टाइम कितना, दो साल हो जाएगा आने को? नहीं, नेक्स्ट ईयर, एक साल हुआ आने को। 24 में आए थे, बने रहे हैं। आप देख सकते हैं लोगों का कितना ज्यादा क्राउड है। अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे लोगों का क्राउड भी बढ़ता रहता है यहाँ पे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह का बना है, ये है लकड़ी का कुछ बनाए हुए हैं, पहले बालू है यहाँ पे, बालू में जाते थे लोग, तो लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पे पुल, पट्टा पुल जिसके बोलते हैं, बना दिए हैं, तो देखने में भी काफ़ी खूबसूरत सा लगता है। ये जो पट्टा पुल है आप देख सकते हैं यहाँ तक है, लेकिन पानी आ गया और इस पे साथ में रेत गया, बालू चढ़ गया है, तो ये पुल जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। तो बर्बाद नहीं हुआ रे, और लुक आया है, तो देख सकते हैं कितना ज्यादा क्राउड है। मैं यहाँ पे बहुत बार आया हूँ, लेकिन आज से पहले इतना ज्यादा क्राउड मैंने कभी नहीं देखा। देख सकते हैं कुछ ऐसा सीन रहता है पारादीप सी बीच का। तो कैसा लगता थी भाई इधर आके बताओ? तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आज जाके फाइनली आज एग्री हुआ है आने के लिए। अच्छा, तो 3 महीने से बोल के आज जाके एग्री हुआ है। 3 महीने से प्लान कैंसिल होता है, लेकिन आज जो प्लान बना वो मतलब अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ प्लान था ही नहीं। तो हम लोग आए थे राहामा अतिक भाई के ग्लैमर बाइक में, अपना उनका हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के लिए, तो वहाँ से प्लान हुआ कि पारादीप सी बीच जाने के लिए, तो बस आ गए, ऐसे कुछ प्लान था ही नहीं। पर ये प्लान हमेशा अच्छा ही होता है, जो ऐसा जो प्लान होता है ना, अनफॉर्चुनेटली जो प्लान बनता है तो वो सही रहता है काफ़ी, जो प्री प्लान होता है उसमें उतना मज़ा नहीं रहता है, लाइफ को इन्जॉय करते रहिए। अच्छा, और क्या बोलोगे? और मूव ऑन करते हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो को एंजॉय करें, देख सकते हैं कितने ज्यादा लोग यहाँ पे। आप नहीं आए कोई बात नहीं, पर हम आपको इसकी ब्लॉग पर दिखा सकते हैं, अब कभी भी आएंगे तो हमें याद कर सकते हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पे पुलिस वाली मैडम भी खड़ी हुई है सिक्योरिटी के लिए। किधर है पीछे? तो तुम्हारे पीछे देखो, सही है। चलिए तब तक मैं आपको इसका पीछे बैक कैमरे से आपको इसका पूरा सीन यहाँ का दिखाता हूँ। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है भाई? कंजूसी ना करो, लाइक ठोक दिया करो। आप सनसेट का व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत सनसेट व्यू है, और यहाँ पे देख सकते हैं लोगों की भीड़ देखिए आप, कितने ज़्यादा लोग हैं। मैं बता रहा हूँ ना, इससे पहले मैं इस पारादीप सी बीच में बहुत बार आया, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड मैं देखा नहीं। बहुत ज़्यादा क्राउड है यार, पता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ज़्यादा। अभी जो है मैं बिल्कुल पानी के करीब आ गया हूँ, आप देख सकते हैं पानी का जो लहर किस तरह से आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। रन, रन। ये तो मेरे पास आ रहा है भाई, अरे रुक जा भाई, रुकता नहीं है बने लगा। भाई साहब यहाँ तक दौड़ा के लाके छोड़ा इसने। ये देखो भाई पीछे का लहर, इतना शानदार सीन है यहाँ का। लेकिन बाकी टाइम के जैसा वैसे ही है, लेकिन बस आज जो है कुछ ज़्यादा ही लोग आए हुए हैं, और मेरे पीछे पानी आ रहा है देखें। अति भाई भी भाग रहे हैं पानी से डर के। तो बस यही कुछ सीन है यहाँ का, लोग बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो यहाँ का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ, उसके बाद में आगे एक स्मृति उद्यान पार्क है वहाँ पे अभी जाएंगे, वहाँ पे पार्क एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाएंगे, ठीक है? तब तक आप इस वीडियो पे बने रहें।
तो भाई अभी जो है चल चल के पूरा हालत खराब हो गया, अभी दोनों बैठ के आराम कर रहे हैं, तो थोड़ा देर के बाद में जाएंगे स्मृति उद्यान पार्क को, वहाँ पे आपको दिखाएंगे पार्क का कुछ सीन। तो आप देख सकते हैं पीछे जो वहाँ पे जो छोटा छोटा यह देख सकते हैं, वहाँ पे भी बैठने का कुछ है, उस पर तो बैठने का कुछ सीन तो बनता नहीं है अभी, क्योंकि बस यहीं पे बैठे हैं, देख सकते हैं बस यही जो है इसी पे ही अभी दोनों बैठे हुए हैं। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाता हूँ, ये जो है लेडीज टॉयलेट है, देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज टॉयलेट है ये, तो के बस के स्टाइल का इसको बनाया गया है, काफ़ी अच्छा है, लेडीज़ के लिए प्राइवेसी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है, तो उसको नज़र रखते हुए यहाँ पे बनाए हैं। और यहाँ पे जो है एक लकड़ी का डिज़ाइन का कुछ है, दूर से तो पता चलता नहीं, शायद वॉशरूम या बाथरूम कुछ होगा, जेंट्स के लिए होगा शायद, तो यही कुछ है। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पे पार्किंग है, देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा लोग भी आए हुए हैं, और यहाँ पे पुलिस भी हैं देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, जो कि ये काफ़ी अच्छा चीज़ लगा, इतने ज़्यादा लोग होते हैं तो उसके लिए पुलिस अगर होगी तो लोगों को थोड़ा सिक्योरिटी भी महसूस होगा, तो सही है, बहुत ही अच्छा सीन है यहाँ का। तो फाइनली यहाँ का जो सफ़र था वो सफ़र हो गया है खत्म, अभी चलेंगे स्मृति उद्यान पार्क की ओर, तो वहाँ पे जो कुछ भी होगा थोड़ा आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे, तब तक आप वीडियो पे बने रहें। देख सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो अभी भी आ रहे हैं लोग यहाँ पे, पार्किंग वार्किंग को आप देख ही सकते हो कितने ज़्यादा लोग हैं। तो फाइनली अभी हम आ गए हैं रोड पे, एग्जिट कर चुके हैं, तो अभी आके पहुंच गए हैं स्मृति उद्यान पार्क पे, वो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा दिखता है पार्क, जो है अभी ठीक मेरे सामने है, अब देख सकते हैं ये है पार्क का एंट्री एरिया, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है ये पार्क। पार्क के साथी हैं तो कुछ ऐसा है इस पार्क का एंट्रेंस, देख सकते हैं बहुत बड़ी है, अच्छी खासी लेटर फ्री जोन, ज़्यादा कुछ तो नहीं है इस पार्क में, बस सुकून है, टाइम पास के लिए ये जो जगह है काफ़ी बढ़िया जगह है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत से लोग बैठे हुए हैं, कपल्स हैं, फैमिली हैं, टाइम पास कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं बैठ के बस, और ऊपर चील कौवे भी उड़ रहे हैं। तो भाई यही था स्मृति पार्क का सीन, आप देख सकते हैं पूरा ले ग्राउंड बस का। लोग भी पूरा खाली खाली सा पार्क है, लोग भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ सीढ़ी जैसा बना है, लोग इस पे जाते हैं ऊपर बैठते हैं, स्लीपर है ऊपर, और ये एक है लकड़ी का है बैठने वाला, और कुछ लाइट भी लगी हुई है। अब 8 बजे तक ये पार्क ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। तो यही कुछ था इस पार्क का सीन मैंने आपको दिखाया, बाकी और तो कुछ नहीं है। अभी यहाँ से कहाँ भाई, घर जाएंगे ना डायरेक्ट, अभी तो हमारा सफर लंबा है ना, बस अभी निकल जाएंगे अपने घर के लिए, आहिस्ता, तो आहिस्ता चलते रहेंगे। चलिए आगे अगर ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग वाला अगर मिलता है तो मैं आपको जरूर दिखाया जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक में कंजूसी ना करो, फटाफट से लाइक ठोक दे। अभी जो है हम इस पार्क से एग्जिट कर रहे हैं, और देख सकते हैं एग्जिट का कुछ ऐसा सीन रहता है यहाँ का, और इस पे यहाँ पे लिखा है देख सकते हैं विजिट अगेन, दो हाथी हैं यहाँ पे, तो बस। और इस पार्क के बाहर का कुछ ऐसा सीन ना देख सकते हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग नहीं आ रहे, लोग अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि रात के टाइम में यहाँ पे ज़्यादा क्राउड भी होता है और ज़्यादा लोग भी यहाँ आते हैं, देख सकते हैं। तो ये है कुछ इस पार्क का सीन ऐसा है, और हमारे अतीक भाई जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अभी घर जाने के लिए, क्योंकि अभी हमें काफ़ी लंबा सफ़र भी करना है, तो इसीलिए हम अभी जल्दी निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो ये है पारादीप पोर्ट अथॉरिटी हेड ऑफिसर है उसका ना, क्या रात में कुछ ऐसा सीन रहता है इस पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। तो फाइनली अभी हम निकल गए हैं अपने घर के लिए, तो आज का जो हमारा टूर था वो हो गया है ख़त्म।
तो फाइनली अभी मैं घर आके पहुंच गया। अभी रात के बज रहे हैं 8:25। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हम सही सलामत अपने सफ़र से वापस आके पहुंच गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, इसी तरह की मेरी डेली लाइफ की व्लॉग्स देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।